हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन लाइफ टॉक्स विद मोनिका। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बच्चों के दांतों के देखभाल के बारे में। तो ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रीटमेंट पे फोकस किया था, इस पार्ट में हम कारणों पे फोकस करने वाले हैं। तो नॉर्मली पेशेंट्स जो आते हैं मेरे पास, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो टॉफ़ीज या कैंडीज या चॉकलेट्स खाता नहीं है ज़्यादा, फिर भी इसके दांत ख़राब हो रहे हैं। तो आज हम कारणों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट कारण तो यही रहता है आपकी टॉफ़ीज, चॉकलेट्स इन, या शुगर आप कह सकते हैं, इन एनी फॉर्म। तो जितना आप शुगर खा रहे हो, टॉफ़ीज खा रहे हो, तो वो तो ऑब्वियसली आपके माइक्रोबियल फ्लोरा को, उसने ओरल कैविटी के माइक्रोबियल फ्लोरा को वो हेल्प करेगी अकुमुलेशन में, ताकि वो कहीं पे अकुमुलेट हो जाए और वो प्रोसेस शुरू कर दे आपके केरीज का। क्योंकि जहाँ पे आपके कोई चीज़ चिपकी रह जाएगी, वहाँ पे आपके माइक्रोबियल फ्लोरा ने एक्टिव हो जाना है। तो कई बार अब जैसे ये क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तो खाता नहीं ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट, तो एक बात को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इट्स द फ्रीक्वेंसी विच मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। तो इसको थोड़ा और विस्तार में बात करते हैं। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा कैंडीज़ खा रहा है, 10 कैंडीज़ खा रहा है दिन में एक बार एक ही टाइम पर, और एक दूसरा बच्चा है वो दिन में 10 बार खा रहा है एक एक कैंडी। क्वांटिटी तो दोनों में सेम जा रही है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए। जो बच्चा बार बार दिन में 10 बार खा रहा है, तो उसके एक्टिविटी, उसके माउथ में जो माइक्रोबियल फ्लोरा की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है दिन में 10 बार, तो उसके जो दांत होंगे वो ज़्यादा ख़राब होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरा बच्चा जो एक बार में 10 कैंडीज खा रहा है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स चाहे अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं कैंडीज, बट आप रिलेटिव्स का क्या करोगे? दादा दादी तो देते हैं उन्हें, नाना नानी तो देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको एजुकेट करना पड़ेगा, पहले तो अपने बच्चे को, एंड सेकेंड अपने रिलेटिव्स को या रिश्तेदारों को, राइट? तो इसमें आप बच्चे को आप बता सकते हो, उसको वीडियोस दिखा सकते हो जहाँ पे केरीज हों बच्चों के दांतों में, तो वो आप वीडियोस दिखा सकते हैं उनको, उसकी इमेजेस दिखा सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी इमेजेस हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो इससे बच्चा मोटिवेट रहता है। बाकी आने वाले वीडियोस में बच्चे मेरे पास आएंगे तो उनकी प्रायर परमिशन से आई विल शेयर कि बच्चों के दांत कैसे ख़राब हो जाते हैं, उनकी इमेजेस में अपने जो पेशेंट्स होंगे उनकी आई विल शेयर विद देयर कंसेंट। तो के सेकंड रीज़न पे आ जाते हैं। अब कई वो वही क्वेश्चन कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा हमारा मीठा नहीं खाता है, तो बट आजकल की हमारी डाइट ऐसी हो गई है कि अगर वो मीठा नहीं खा रहा तो वो स्टिकी फूड खा रहा है। बेसिकली कोई भी स्टिकी चीज़ हम जो खाते हैं, जो हमारे दांतों में कहीं पे भी चिपक जाती है, तो वो नाइडस बन जाएगी बैक्टीरियल फ्लोरा के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, एंड वो कैविटी का रूप ले लेती है आगे जाके। तो स्टिकी चीज़ों में हमारी ब्रेड, बिस्किट्स, पिज़्ज़ास, ऑल फास्ट फूड, तो आप खुद बताइए कहाँ पे रह गया, हम कहाँ पे स्कोप कहाँ छोड़ रहे हैं कि हमारी ओरल कैविटी साफ रहे और बैक्टीरियल फ्लोरा वहाँ पे अपना काम ना करे। थर्ड रीज़न आ जाता है हमारे पास सलाइवा, बट सलाइवा का इतना इशू नहीं रहता है, सलाइवा का कम होना भी एक कारण हो सकता है केरीज होने का। और एक रह जाता है जेनेटिक्स, कहीं में जेनेटिकली थोड़ा सा माइक्रोबियल फ्लोरा ज़्यादा रहता है, वो भी एक कारण होता है। फिर देन एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो है, व्हेन पेरेंट्स शेयर देयर फूड विद देयर चिल्ड्रन, जब पेरेंट्स ये अपना खाना शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ एक कॉमन स्पून के साथ, तो आप अपने बैक्टीरियल फ्लोरा आप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि हम बड़ों के मुंह में तो बहुत ज़्यादा जर्म्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे बच्चों के जर्म्स। तो जब हम स्पून शेयरिंग करते हैं तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा आप डायरेक्ट अपने बैक्टीरियल फ्लोरा को बोल रहे हो कि जा हमारे बच्चे के मुंह में भी जाके कैविटीज करो, जाके वहाँ पे केरीज करो तुम, राइट। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो बस ये थोड़ी सी, और एक है हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करवाते हैं। ब्रशिंग का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है कि आपको हमेशा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ब्रश आपको दो टाइम करना है, और एक करना है आपको ब्रेकफास्ट के बाद, एक करना है आपको डिनर के बाद, और उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। अब रीज़न इसका ये रहता है, डिनर के बाद करोगे तो मॉर्निंग तक आपका मुंह साफ रहना है। सुबह उठिए, कुल्ला कीजिए, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद ब्रश कीजिए, उसके बाद आपके लंच टाइम तक मुंह साफ रहना है। तो एक छोटी सी हैबिट को आप चेंज कर लेंगे तो आपको, और अगर ये चीज़ को आप बचपन में चेंज कर लेंगे तो आपको तो डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है। सो ये सब बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, बच्चों की डेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आते हैं हम उन्हें बचपन में डालेंगे, वही आगे कंटिन्यू होनी है। मिलते रहेंगे और बातें करेंगे डेंटिस्ट्री के बारे में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।